हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रा की हम स्टार्टिंग करेंगे क्लास सेवेंथ, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलजेब्रा क्या होता है। एलजेब्रा इज़ अ स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक की एक ऐसी ब्रांच विच एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, जो हमें रिलेशनशिप बताती है अमंग नोन एंड अननोन क्वांटिटीज़। कुछ क्वांटिटी जिनके फिक्स क्वांटिटी हैं, कुछ अननोन क्वांटिटी हैं, उनमें रिलेशनशिप बताती है, उस ब्रांच को हम एलजेब्रा कहते हैं। बाय द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ किया जाता है जिन्हें नंबर्स और वेरिएबल्स कहा जाता है। अलग अलग ऑपरेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये भी आते हैं, इनका यूज़ करके हम क्या है इक्वेशन फॉर्म करते हैं, उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की ब्रांच को एलजेब्रा कहा जाता है। एलजेब्रा को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं टर्म्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टर्म्स है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, इसके नाम में ही आपको दिख रहा है वेरिएबल, यानी कि इसकी वैल्यू वेराइज होती हैं, अलग अलग होती हैं। वेरिएबल आर अननोन और अनस्पेसिफाइड नंबर बिकॉज देयर वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो इन्हें अनस्पेसिफाइड नंबर हम कह सकते हैं या अननोन नंबर कह सकते हैं। किसी सम में इसकी वैल्यू अलग होगी, किसी सम में इसकी वैल्यू अलग होगी, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के बाद जो एक और इसकी टर्म में डेफिनेशन देख सकते हैं अदर वर्ड्स में, अ क्वांटिटी विच टेक ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जिसकी अलग अलग डिफरेंट मीन्स अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, इज़ नोन एज अ वेरिएबल, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। इसका अदर नेम होता है लिटरल, इसे लिटरल भी कहा जा सकता है, आपके सब में लिटरल भी लिखा आ सकता है। तो वेरिएबल और लिटरल दोनों बात एक ही होती हैं, ऐसा जिसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होगी, उस टर्म को हम क्या कहेंगे, उसे हम वेरिएबल कहेंगे। उसके बाद अगला अपना देखते हैं, अगला जो टर्म हमारा है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट को जानेंगे। कांस्टेंट में ऐसे वैल्यू जो कि फिक्स होती हैं, यानी कि उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते टाइम टू टाइम एंड अलग अलग सम में चेंज नहीं किया जा सकता। कांस्टेंट आर स्पेसिफाइड नंबर्स बिकॉज देयर वैल्यू इज़ फिक्स्ड, कांस्टेंट वो स्पेसिफाइड नंबर हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स में जानेंगे कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट अ क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ नोन एज अ कांस्टेंट, ऐसी क्वांटिटी जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है नंबर्स में होती है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। नाउ दोनों टर्म्स को जानने के बाद एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दस एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट आर कनेक्टेड बाय एनी ऑफ ऑल फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस। एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो इक्वेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को कनेक्ट करते हैं ऑल फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस के थ्रू। फंडामेंटल ऑपरेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आते हैं, ऑल फोर हम यूज़ कर सकते हैं, एनी ऑफ देम कोई भी दो तीन या चार यूज़ कर सकते हैं, एनी वन ऑपरेशन भी यूज़ किया जा सकता है इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। तो एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं, वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई जेड, कांस्टेंट यानी कि नंबर्स, वो दोनों कनेक्टेड होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन यानी कि मैथमेटिकल साइंस के थ्रू। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है 3x plus 6 equal to 12, 3x plus 6 जिसमें कि हमने क्या ऑपरेशंस भी यूज़ किए हैं, प्लस का यूज़ किया हुआ है हमने इक्वेशन में, प्लस लगाया हुआ है। 3 और x, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशियंट आपका 3 है, कोफिशियंट हम अगले टर्न पर सीखेंगे। x जो है वो एक वेरिएबल है क्योंकि x की वैल्यू चेंजेस होती रहेंगी, और जो 6 है वो कांस्टेंट है, 12 भी कांस्टेंट है क्योंकि ये फिक्स वैल्यू वाले हैं। अभी आपने पढ़ा कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, तो x जो है वो वेरिएबल है और 6 और 12 जो हैं वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे।